सुपौल जिला के लूट के मामले का पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने किया पर्दाफाश। लूट की गई 46 लाख रुपए के साथ 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सुपौल पुलिस को लगातार मिल रही है बड़ी सफलता। पुलिस ने लूट कांड के एक बड़े मामले का किया पर्दाफाश, जिसमें लूटी गई करीब 46 लाख रुपए की बरामदगी के साथ ही सभी अपराधियों को भी धर दबोचा। इस मामले की जानकारी देते हुए सुपौल एसपी मनोज कुमार ने बताया कि 24 अगस्त को करीब 2:30 बजे फारबिसगंज के व्यवसायी शाह एंड सन्स एवं हरिओम ट्रेडर्स के मैनेजर मनोज कुमार अपने चालक सनोज कुमार को लेकर बिकटा गाड़ी से सहरसा एवं सुपौल जिला से रुपये का तगादा कर वापस फारबिसगंज लौट रहा था। इस दौरान प्रतापगंज थाना क्षेत्र के NH 57 पर इनका चालक बिकटा बराज गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर टॉयलेट करने चला गया। उसी क्रम में एक पिकअप वाहन से 4 अपराधी उतरे और गाड़ी पर सवार व्यवसायी मनोज कुमार को मारपीट करते हुए रुपयों से भरा बैग लेकर चलते बने। जानकारी के अनुसार रुपयों से भरे बैग में 49 लाख रुपये था, जिसे लुटेरे लेकर भाग निकले। घटना को लेकर प्रतापगंज थाना क्षेत्र में मामला भी दर्ज किया गया। त्वरित संज्ञान लेते हुए सुपौल पुलिस ने कांड का अनुसंधान शुरू कर दिया, जिसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लेकर पुलिस ने मात्र 9 घंटे में कांड का उद्भेदन करते हुए इस लूट कांड में शामिल तमाम 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सुपौल SP मनोज कुमार के अनुसार घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन एवं स्कॉर्पियो गाड़ी, लूटा गया मोबाइल एवं अन्य सामानों को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में संलिप्त कुल 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में सनोज कुमार उर्फ छोटू, अमरदीप दयाल, अमित शर्मा, मोहम्मद राजू, अमित कुमार राय एवं जय किशोर सरदार उर्फ जेरी शामिल है। सर, एक लूट का बड़ा ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें फारबिसगंज के एक व्यवसायी से 49 लाख रुपये की लूट कल संध्या में हुई थी और 9 घंटे के अंदर पुलिस ने 46,20,750 रुपये की बरामदगी कर ली है और घटना में शामिल सभी अपराधी जिसकी संख्या 6 है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जिस पिकअप वैन से घटना को खारित किया गया था वो पिकअप बरामद हो गया है। जिस स्कॉर्पियो से राशि को तेजी से सिलीगुड़ी तरफ ले जाने की कोशिश की गई वो स्कॉर्पियो भी बरामद हो गया है। 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस प्रकार ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है कि इतना कम समय में इस घटना का उद्भेदन किया और पुलिस के लिए एक विशेष बिंदु यह है कि बहुत दिनों के बाद हमने देखा है कि 3 जिला का बहुत ही बेहतर समन्वय पुलिस का मिला है। अररिया के पुलिस अधीक्षक SDPO फारबिसगंज, पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, विशेष करके डगरुआ थाना अध्यक्ष और उनके एक अन्य पदाधिकारी ने जिस तरह से एक मत हो करके समन्वय में काम किया, अन्यथा ये उपलब्धि नहीं हो पाती। बंगाल में घुसते ही पुलिस को नहीं पता चल पाता कि ये राशि कहाँ गई। सर, व्यापारी व्यवस्था प्राप्त हुई कि 5 से 7 लाख रुपए की लूट हुई है। उसमें जो मैनेजर ने यही बोला, बाद में जब करीब 47 लाख रुपए की बरामदगी हुई तो हम लोगों ने सवाल किया, उसने अपने तर्क दिए हैं। वादी के बयान पर एक FIR दर्ज किया गया है, उसका हम लोग अनुसंधान करेंगे। सभी अपराधी अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि अपराधियों के पास से लूटे गए कुल 46,20,750 रुपये बरामद किए गए हैं। वहीं घटना में उपयोग किए गए एक पिकअप वाहन सहित स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद किया गया है। बिहार दैनिक समाचार का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। bihardainik.com पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी के साथ अमलेंद्र कुमार को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।